Guys, welcome back to Mamta Nepal tutorial. And guys, in this video we're going to focus on more MCQs will be based on the biology subject, and we are taking 11th and 12th class MCQs only. So the concept are little high and the level of the questions are little tough. So let's start with the questions. Question number first dekhte hain. It is much easier for a small animal to run uphill than for a large animal because देखो normal सा एक concept दिया गया है. ये क्या है कि हमारे पास जो छोटे animals होंगे वो तो hill के ऊपर चढ़ने के लिए easily वो जल्दी से चढ़ जाते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर large animal की बात करें तो large animals को वो थोड़ा tough लगता है, वो uphill इतनी speed में इतनी easily नहीं जा पाते. क्यों? क्योंकि जो हमारे स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो ज़्यादा होता है. हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से उनके पास क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली वो यूज़ करके उसको जा सकते हैं, अपहिल जा सकते हैं. लेकिन जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये लैकिंग होता है. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्मॉलर एनिमल्स हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, फॉलोइंग आर दी टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी ओरिजिन ऑफ लाइफ. जब हमारे पास लाइफ स्टार्ट हुई है, ओरिजिन हुई है लाइफ की, उसके बारे में हमारे दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, ए और बी स्टेटमेंट. इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है और इसके हिसाब से हमें ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, ए गलत है, दूसरा सही है, ऐसे हमने इसका आंसर देना है. तो लेट्स सी, फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या चीज़ बोल रही है. द अर्लीएस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमेबली एनारोबिक. ठीक है, ये क्या बोलने के चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट ओरिजिनेट ऑर्गेनिज्म था वो क्या चीज़ थी. एक तो हमारे पास वो क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, जो सबसे पहले कभी पैदा हुए होंगे, जो फर्स्ट हमारे पास आए हैं, तो प्रोकैरियोट्स. ठीक है, पहली चीज. दूसरा ये क्या थे, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थे, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स. इसका मतलब क्या है, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, दूसरे पे डिपेंड करते हैं. और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, केमिकल के ऊपर, क्योंकि हमारी अर्थ के पास उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं थी, तो अपना खाना तो वो खुद बना ही नहीं सकते थे. मेन चीज़ तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो केमिकल से उन्होंने अपना खाना बनाना शुरू किया, तो वो हमारे पास ऐसे हुआ करते थे जो सबसे पहले बने. तो हमारे पास स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल सही है, अर्लीस्ट जो ऑर्गेनिज्म था वो मे बी अर्थ के ऊपर आया हो जो कि नॉन ग्रीन हो, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता था, वो क्या थे, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थे. और ये एनारोबिक भी थे, यानी एनारोब्स कौन से होते हैं, वो जिनको ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन भी वो अपना खाना अपना काम चला लेते हैं, अपने आप को सर्वाइव रख लेंगे. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है. अब हमारे पास बी स्टेटमेंट है, द फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म. ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. वर दी कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जो सबसे पहला बना वो भी हमारा क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स बने. कीमो का मतलब क्या है, केमिकल से वो अपना खाना बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं. अभी तक हेट्रोट्रॉफ्स दूसरों पे डिपेंड कर रहे थे, यहां पे क्या है, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं. दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन, जिसने कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं की. ऑक्सीजन रिलीज कब होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा. तो फर्स्ट हमारे पास जब ऑटोट्रॉफ्स बने थे, जब ओरिजिन हो रहा था लाइफ का, जब पहली बार ऑटोट्रॉफ्स बने थे, तो वो भी हमारे पास क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स ही थे. केमिकल से ही वो अपना खाना बनाते थे और जिससे कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता था. तो ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है. तो इस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. अ सेल एट टीलोफेज स्टेज, एक सेल है जो टीलोफेज स्टेज पे, हम पहले हम पूरा समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. इज ऑब्जर्व बाय अ स्टूडेंट इन अ प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से उठा के एक प्लांट लेके आए, उनकी एक स्टेज को देखा गया, उसका एक सेल को देखा गया कि उसकी जो टीलोस्टेज फेज है, जो टीलोफेज स्टेज है उसकी, उसको वो स्टडी कर रहा था. ही टेल्स हिज टीचर्स दैट दिस सेल इज नॉट लाइक अदर सेल्स एट टीलोफेज स्टेज. जो टीलोफेज नॉर्मली स्टेज होती है वैसी नहीं है, इसकी थोड़ी अलग है. देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, कोई सेल प्लेट नहीं हुआ है. एंड दस दिस सेल इज कॉन्टेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, और इसके अंदर क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं.
एज कंपेयर टू दी अदर डिवाइडिंग सेल्स, जो नॉर्मली डिवाइडिंग सेल्स थे उनसे ज्यादा इनके नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। दिस वुड रिजल्ट इन, ये इनमें से कौन सा रिजल्ट कर सकता है, क्या चीज होगी, तो मतलब कंक्लूजन क्या निकालेंगे इस चीज का। अब देखो हमारे पास फेज क्या क्या होती हैं। हमारे पास सबसे पहले एक आती है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं सारी चीजों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरफेज कहलाएगा। इंटरफेज कौन सा होता है, जिसमें क्रोमोसोम जो प्रॉपरली नहीं दिख रहा, ठीक है, सिर्फ डीएनए वगैरह आपको दिख रहा है कि कुछ है यहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर कुछ है लेकिन प्रॉपरली दिख नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आएगा, इंटरफेज के बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज यहां पे हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स दिखने लग गए, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोफेज कहेंगे। प्रोफेज के बाद आता है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ऐसे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, यानी इक्वेटर के ऊपर ऐसे बीच में बिल्कुल एक प्लेट बना देंगे, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। ऐसी स्टेज आपको दिखती है, जब उस सेल को आप देखोगे तो ऐसी स्टेज दिखेगी। तीसरी चौथी हमारे पास इसमें कहाँ पे आएगी, हमारे पास एनाफेज, जिसके अंदर क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो अटैच हो जाएंगे और हमारे आधा आधा क्रोमोसोम जो होगा वो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पोल की तरफ हमारे पास ऐसे खिंच रहा होगा, दोनों अपोजिट पोल की तरफ जा रहे होंगे, एक पोल हमारे पास ये है एक ये है, तो ये जाते टाइम इसको हम क्या कहते हैं, एनाफेज बोलते हैं। ये एनाफेज हो गया। एनाफेज के बाद हमारे पास क्या आते हैं, एक और आते हैं जिसको हम टीलोफेज बोलते हैं। टीलोफेज क्या होगा, कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है, जिसमें एक यहाँ पे क्रोमोसोम बनना शुरू हो गए, मतलब हमारे पास क्या है, प्रॉपर डीएनए यानी प्रॉपर एनवलप बन गया है, न्यूक्लियस एनवलप जो पहले खत्म हो गया था वो बनना शुरू हो गया, और इसी को हम कहेंगे टीलोफेज, यानी दो अलग सेल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, बीच में ये जो साइटोप्लाज्म होगा ये खत्म होगा और दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे। तो जब तक वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं दो अलग अलग सेल में, तब तक हम इसको क्या कहेंगे, टीलोफेज बोलेंगे। तो टीलोफेज स्टेज उसने देखी है, उस बच्चे ने वो जो सेल उठाया था उसमें टीलोफेज स्टेज वो देख रहा था, जो लास्ट वाली स्टेज हमने देखी वो, इज ऑब्जर्व बाय द स्टूडेंट, ठीक है, प्लांट जो कि वहां से बाहर से वो लेके आया था, इसने ये बोला कि वो जो टीलोफेज स्टेज है वो उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, उसमें एक तो हमारे पास क्या है, सेल प्लेट बनी ही नहीं है, बीच में जो सेल आते थे क्रोमोसोम वो आए ही नहीं है, और क्या है, डिवीजन ज्यादा है, यानी हमारे पास जो सेल डिवीजन है वो प्रॉपरली बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड नहीं हुआ है, सेल हाफ हाफ डिवाइड नहीं हुआ है, क्रोमोसोम्स जो थे वो हाफ डिवाइड नहीं है, उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, जब हमारे पास क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल से ज्यादा होते हैं, यानी सिर्फ हमेशा हमेशा क्या होते हैं, दो पेयर प्रेजेंट होते हैं, दो पेयर की बजाय अगर तीन पेयर प्रेजेंट हो जाए या तीसरा क्रोमोसोम आ जाए वहां पे, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहलाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर डिप्लीशन हो जाए किसी का, गैस का, ठीक है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो कि अगर डिप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, तो हमारे पास कैंसर बढ़ जाएंगे, वो होती है ओजोन। हमारे जो धरती है उसके ऊपर क्या है, ओजोन लेयर बनी हुई होती है, और वो ओजोन लेयर अब क्या है, खत्म होना शुरू हो गई, क्योंकि हम लोग क्या है, ज्यादा जो हम CFLs वगैरह, सॉरी CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उसका हम यूज ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है अर्थ की जो ये प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है वो, और ये डिस्ट्रॉय होते के साथ हमारे पास क्या है, नीचे आने लग गई हैं रेज, जो हार्मफुल रेज होती है, हमारे पास यूवी रेज जो सन की आ रही हैं वो डायरेक्टली आके कॉज क्या करती हैं, स्किन कैंसर करती हैं। तो ओजोन की कमी होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओजोन क्या होता है, O3 होता है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय, जो इकोसिस्टम टर्म है ये किसने दिया था, वो थे A.G. टेंसली। तो जब भी इकोसिस्टम की अगर बात करेंगे तो ये नाम आएगा, और अगर इकोलॉजी का नाम आए, यानी इकोलॉजी किसने दिया है, किसने ये टर्म कॉइन किया था, वो थे अर्नेस्ट हेकल, ठीक है। तो ये हमारे पास ये राइट आंसर आएगा, अर्नेस्ट हेकल कब आएगा, अगर इकोलॉजी पूछा होगा तो, इकोसिस्टम पूछा है तो टेंसली, तो ऑप्शन थर्ड जो सी है हमारा, ये राइट आंसर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्टर कोडॉन। देखो कोडॉन क्या होता है, कोडॉन होता है एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर तीन या तो हमारे पास डीएनए या फिर हमारे पास आरएनए न्यूक्लियोटाइड हम यूज कर रहे हो तो उनको हम बोलेंगे एक कोडॉन। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड हम यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा है, कौन सा जो स्टार्ट कोडॉन यानी स्टार्ट कोडॉन या फिर इनिशिएटिंग कोडॉन, किसी भी कोई भी नाम हम ले सकते हैं, स्टार्टर भी ले सकते हैं, तो वो कौन सा होता है, AUG, यानी ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा सही आंसर है। ये स्टार्ट कोडॉन होता है, यहां से स्टार्टिंग होती है इसीलिए इसको स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।